ये किसी और की नहीं, अपने नंबर 7 की है कहानी। और इस कहानी में ट्रेन की आवाज बहुत जरूरी है सुनाने। क्रिकेट का शौक था लड़का, वो बेखौफ था। परिवार की जिम्मेदारी थी, शायद ऊपर वाले ने भी इसकी नजर उतारी थी। कोट काला, लंबे बाल और प्लेटफॉर्म नंबर 8। किसने सोचा था कि ये लड़का एक दिन लगाएगा पूरी दुनिया की वाट। हुनर था और ना ही किसी का डर था। रफ्तार थी, दहाड़ थी, कुछ भी नहीं था आसान। मुश्किलें सामने हजार थी, पर जिंदगी में मुश्किलों को हरा कर ही मुसाफिर बनता है एक अच्छा राही। दुनिया के लंबे प्लेटफॉर्म से निकलकर 22 गज की दुनिया में आ चुका था अपना माही, कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता किसी का भी सवाल, क्योंकि हर छोटे शहर के सपनों की है वो मिसाल। पहली कुछ इनिंग्स में निराशा थी, पर आशा अभी पूरी बाकी थी। पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली सेंचुरी बस छोटी सी झांकी थी। 2007 के 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से बाहर होना दिल पर बहुत भारी थी। पर रुको जरा, सबर करो, क्योंकि अब तो हेलीकॉप्टर शॉट की बारी थी। लंबे बाल और वो मुस्कान, मिल चुका था हमें फियरलेस कप्तान। बल्ले ने इसके सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाए, चौकन्ने फील्डर्स के नाक के नीचे से भी इसने ढेरों रन चुराए। निडर था, उसमें जिगर था, ऐसे ही थोड़े ना वो वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर था। मैदान पे लिए उसने ऐसे डिसीजन जिस पर बहुतों ने सवाल उठाए। देश तो देश, विदेश में भी इनकी कप्तानी में हम जीत के झंडे गाड़ाए। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, सब पर किया हमने कब्जा। जो चीज दिखती है ना, वो है इस खिलाड़ी का जज्बा, कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता तेरा सवाल, क्योंकि हर छोटे शहर के सपनों की है ये मिसाल। कान में अब भी गूंजता है, उधर पुजारा को ताली बजाने के लिए नहीं रखा है, भाई साहब ये धोनी है, और धोनी को कौन टाल सकता है। खिताब है अपने आप में, क्रिकेट की ये किताब है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, ऐसा इसका हिसाब है। इसका अपना ही खेल है, अपने ही रूल्स है, अरे ऐसे ही थोड़ी ना ये कैप्टन कूल है। आखिरी बार जब मैदान से बाहर आए तो पूरा हिंदुस्तान साथ में रोया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या हुआ जो वक्त है हमने थोड़ा सा खोया। एक दौर आपके पहले भी था और एक दौर आपके बाद भी आया, पर इतना श्योर है कि माही जैसा शायद ही कोई और आया, शायद ही कोई और आया। कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता तेरा सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान के हर छोटे शहर के सपनों की है ये मिसाल।